बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां माटी मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई ली, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख कान मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर दे रहे हैं उन 3 बंदरों की तरह आंख कान नाक मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट
और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है, क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है।